पांच साल पहले तक उपेक्षित रही गोरखपुर की माटी की विशिष्ट शिल्पकला टेराकोटा को सीएम योगी के ओडीओपी के पंख मिले तो रोजगार और विकास के आसमान में इसकी उड़ान देखते ही बन रही है। सरकार की तरफ से ब्रांडिंग का दायरा ग्लोबल हुआ तो इस पारंपरिक शिल्प में नवाचार की झड़ी लग गई है। टेराकोटा के परंपरागत उत्पाद बाजारों में धूम मचा रहे हैं तो अब मिट्टी की ज्वेलरी के बाद भाइयों की कलाइयों पर सजने को टेराकोटा की राखियाँ भी तैयार हो गई हैं। इनकी डिज़ाइन, रंगत और फिनिशिंग ऐसी कि देखकर सहसा यकीन ही नहीं होगा कि ये मिट्टी से बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा टेराकोटा को गोरखपुर की ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किए जाने के बाद शिल्पकारों का जीवन तो बदल ही गया है। शिल्पियों के साथ ही अनेक लोग इसमें नवाचार के विचार से जुड़ रहे हैं। नवाचार की ऐसी ही पहल की है मूलतः दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर भावना सिंघल ने। उन्होंने टेराकोटा से जुड़ी महिलाओं को अपनी तरफ से डिज़ाइन देकर बड़े पैमाने पर टेराकोटा की राखियां बनवाई हैं। वह 15 जुलाई को गोरखपुर में टेराकोटा की राखियों की प्रदर्शनी भी लगी। प्रदर्शनी में मिट्टी से बनी रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी भी की गई। भावना का कहना है कि घर में रखे टेराकोटा की मूर्तियों की खूबसूरती की लोगों से मिली तारीफ से उनके मन में इस शिल्प की राखियों को बनवाने का विचार आया। टेराकोटा के मिट्टी के आकर्षक गहने भी अपनी धाक जमा रहे हैं। इस शिल्प से बने नेकलेस, झुमका, बाली, कंगन की मांग बढ़ रही है। सोने के गहने को टक्कर दे रहे इन आभूषणों की सुंदरता महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सीएम योगी के विजन से टेराकोटा शिल्पकारों का जीवन बदल गया है। ओडीओपी में शामिल किए जाने के बाद उनके उत्पादों की इतनी मांग है कि नए ऑर्डर कई महीनों की वेटिंग में जा रहे हैं। ओडीओपी ने इसे उद्यमिता और रोजगार का बड़ा फलक प्रदान किया है। योगी सरकार के प्रयासों से यह अब ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित हो रहा है। इसी कड़ी में सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC के जरिए टेराकोटा को ब्रांडिंग को और मजबूत करने जा रही है। गोरखपुर में 2 CFC बनाए जा रहे हैं। CFC बनने से टेराकोटा शिल्पियों को एक ही छत के नीचे गुणवत्ता जांच, ट्रेनिंग समेत सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। इससे टेराकोटा के बाजार का और भी विस्तार होगा। सरकार के ही प्रयासों से टेराकोटा उत्पाद कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। टेराकोटा राखियों की प्रदर्शनी की प्रोपराइटर डॉक्टर भावना अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार टेराकोटा को बढ़ावा दे रही है, जिसको देखते हुए हाथ से मिट्टी की बनी हुई राखियों की प्रदर्शनी लगाई गई है और यह राखियां अपने हाथों से महिला कलाकारों ने बनाया है। उन्होंने कहा कि राखियों की रेट 50 रुपये से शुरू किया गया है। इन राखियों को लेकर मुख्यमंत्री के पास गई थी, जिसको मुख्यमंत्री ने भी पसंद किया है और सांसद रवि किशन भी टेराकोटा की राखियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टेराकोटा राखियों की प्रोपराइटर डॉक्टर भावना अग्रवाल एवं कृतिका अग्रवाल ने कहा, आशो
रितिका अग्रवाल, टेराकोटा का स्टॉल लगाया, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारी मिट्टी का है और मिट्टी से इतना अच्छा कुछ बन पाना ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। मुझे नहीं विश्वास था कि ये सारी चीज़ें, इतनी खूबसूरत राखियाँ मिट्टी से भी बन सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट भावना जी ने जो लाया है वो बहुत ही अच्छा है और हमारा गोरखपुर धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है और टेराकोटा से गोरखपुर को नाम मिलेगा और नाम मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड ये राखियाँ बहुत ही रीज़नेबल रेट की हैं, अनएक्सपेक्टेड सुंदर राखियाँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर भावना अग्रवाल है। ये मैंने टेराकोटा की हैंडमेड राखियों की प्रदर्शनी लगाई है। इसमें हमने यहाँ के लोकल जो आर्टिसंस हैं, जो वुमेन आर्टिसंस हैं, उनसे ये राखियाँ बनवाई हैं। उनको ये राखियों के डिज़ाइन मेरी फ्रेंड अनु नंदा ने सिखाए हैं और हमने फिर मिल के इसका खूब प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि उसी के लिए ये पहली एग्जीबिशन है मेरी। ODOP के अंतर्गत गोरखपुर में टेराकोटा का चयन किया गया है, उसी टेराकोटा को यूज़ करते हुए हमने ये राखियाँ बनवाई हैं। आज तक टेराकोटा के खाली पॉट्स, गमले लोग इधर तक ही सीमित हैं और ये नया एक इनिशिएटिव है। आई होप कि सब लोग को पसंद आए। कैसे दिमाग में आया कि राखियाँ बनानी चाहिए? मेरा थोड़ा दिमाग आर्ट की तरफ रहता है और जो मेरी सहेली है अनु, उसका भी बहुत ज़्यादा रुझान है इस तरफ, वो तो अब पूरा ही इसमें है। तो बस मिलके ये इनिशिएटिव शुरू हुआ और आज मेरी एग्जीबिशन किधर आप हैं। अगर देखा जाए तो इसकी कितनी कॉस्ट होगी और कोई खरीदना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आज एग्जीबिशन में जो लोग आएंगे वो पसंद करेंगे आई होप। इसकी रेंज हमने बहुत नॉमिनल रखी है, 50 रुपये मात्र ये शुरू होती है और 50 रुपये से ये शुरू होती है और जितना ज़्यादा इसमें काम है, जितना ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि एक राखी को बनाने में 1.5 से 2 दिन लगा है एक सिंगल राखी को, तो वो मेहनत जो उसके पीछे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो आर्टिसंस को उसका क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने इसका रेट केवल 50 से शुरू करके फिर ये आगे 250, 300, 400 तक है। आपने बताया मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई जी, क्या कहा जी? मेरी मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई, वो भी उन्होंने तुरंत राखी को पसंद किया और कहा कि तुम मेरे पास भेजिए, तो उन्होंने राखी उनको प्राप्त हुई, उनको पसंद आई। आई होप ये आगे अब बढ़ेगा सिलसिला। और मुख्यमंत्री जी के बाद मैं रवि किशन जी भैया से मिली, जो हमारे MP हैं, और ऐसा वाक्या हुआ कि मैं उनकी बहन भी बन गई हूँ, मैंने उनको राखी उनकी कलाई पे बांधी दी, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का आज ये अवसर है। प्रदेश सरकार भी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है जी। टेराकोटा को ODOP के अंतर्गत ला के गोरखपुर में इसका बढ़ावा खूब दिया जा रहा है, उसी के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि ये और बढ़े।